तूने उसे कैसे पटाया? मेरी इतनी हिम्मत कहाँ सरकार कि मैं उसको पटाऊं? उसने मुझे खुद ही पटाया था। भाई इससे पूछो ये भाभी को नहर में क्या करने के लिए ले गया था? क्या नहर में ले गया था? हाँ भाई मैंने भी देखा था, नहर के उस कोने में ले गया था। बोल बे, नहर के उस कोने में तू उसे क्यों ले गया था? अबे तुम लोगों को कैसे पता? क्या भाई अब आपकी सेटिंग नहीं है तो हमारी भी नहीं होगी? हाँ बे, अब तू बता नहर के उस कोने में उसे तू क्यों ले गया था? सरकार मैं नहीं बता सकता, वो सब अंदर की बात है। अंदर की बात? अच्छा, अंदर से ही बता। सरकार नहीं बता सकता। ला तेरे चाकू और इसका पेट, जरा मैं भी तो देखूं कितनी अंदर की बात है। अरे भाई रहने भी दो, ये सब अंदर की बात है, लास्ट में बेइज्जती ही हाथ लगे। अबे सालो मुझे भी तो बताओ ये अंदर की बात है क्या? ए डाकू हसीना, तू कभी तोड़ नहीं पाएगा मेरी खामोशी का आईना, क्योंकि मेरा प्यार है एक खूबसूरत नगीना, उसे क्या पाएगा तो जैसा कमीना। दो भाई चाकू ले आया। डाकू हसीना कहाँ है? जिसके डर से अच्छे अच्छे त्याग दे चीना। मैं ही हूँ डाकू हसीना। डाकू हसीना वो लड़का मेरी लड़की को लेकर भाग गया। रे परेशान क्यों होता है रे? देख वो छोकरा यहाँ पर टंगा है। डाकू हसीना ये वो छोकरा नहीं है। क्या ये वो छोकरा नहीं है? हाँ भाई हमको भी लग रहा था कि वो छोकरा नहीं है। हाँ भाई हमको भी कुछ कुछ डाउट था कि ये वो छोकरा नहीं है। वो छोकरा तो मेरी बेटी को भगा ले गया। हे भगवान। भाई ये तो मर गया। चलो अच्छा ही हुआ गुट्ठा साला मर गया, नहीं तो हमें इसका पूरा पैसा वापस करना होता। डाकू हसीना ये अपन का स्टाइल है। एक बात बोलूं डाकू हसीना, बुरा तो नहीं मानोगे? बोल, नहीं मानूंगा। तुम्हारे दोनों साथी है ना, दोनों बहुत बड़े चूतिए हैं। चूतिए हसीना जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। डाकू हसीना जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डाकू हसीना जिंदाबाद। कान खोल के तुम दोनों सुन लो, कोई गलती हुआ ना इसके जैसा ही हाल तुम दोनों का होगा। अगर इसी तरह चलता रहेगा प्यार का व्यापार, इसी तरह मैं होता रहूंगा मालामाल।